आगे और आगे बढ़ता चले। जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूँ आप सभी से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज सामने बैठे ये युवा पहले कभी किसी ने देखा था और ना ही सोचा होगा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और यहाँ पर उपस्थित आयोग की परीक्षा में माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति में, माननीय विधायिका की पूर्ति में, ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में विधि सम्मत तरीके से लागू कराने में, राज्य के सभी प्रमंडलों में प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील हैं। टिपिक सभी मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी, रचा जा रहा है 2000 लगातार किया जा रहा है। झारखंड राज्य में आज फिर एक नई इबारत गढ़ी जा रही है। बजरंग कुमार तिवारी, धनबाद से बजरंग कुमार तिवारी करें, आपका जोश हमें दिखना चाहिए। नियुक्ति पत्र वितरण राजस्व विभाग के लिए इस वक्त नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। नियुक्तियां होंगी, थक गए अभी से। चाईबासा से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मंच पर दृष्टि होनी चाहिए आपकी, लेकिन आप अब आएंगे। रांची से श्री रोहित कुमार, तालियों की गड़गड़ाहट हो, तालियां हो। श्री सचिन के ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। सोनामणि उराव हमारे बीच आ रही है। यहाँ एक माता की गांव की तस्वीर सुधरेगी और विद्युती कान तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। जोहार, जोर से कहिए। और इस जोहार और इसी जोहार के बीच आज आपको एक सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और वो ऐसे सरकारी नौकरी जिसमें पुरानी पेंशन भी आपको मिलेगा। उस फॉरेंसिक लैब को सक्रिय करने के लिए उन वैज्ञानिक पदाधिकारियों की भी हम लोगों ने पहली बार जून माह में शुरू किया। अनेकों निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने नियुक्तियां बांटी। हम लोगों ने ये देखा कि प्राइवेट तो प्राइवेट में लोगों को भी जाने की इच्छा होती है, लोग जाते भी हैं। उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने हजारों लोगों को नियुक्ति दिया, आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति दिया, नर्सेस को दिया, सहायक अभियंताओं को दिया, जानवरों के डॉक्टरों को भी हम लोगों ने नियुक्तियां दी। शिक्षक की नियुक्ति अभी हम लोगों ने लगभग 4000 की है, 4500 के लगभग। और इस तरीके से अभी तो और भी लगभग 8000 से अधिक हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांट दिए। अभी कई सारी वैकेंसी अभी जेपीएससी के माध्यम से भी निकलना है, जेएसएससी के माध्यम से भी निकलना है। शिक्षक की नियुक्ति हो, पुलिस की बहाली हो, उत्पाद सिपाही की बहाली हो, कई सारी बहालियां अभी निकलनी है। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे नई पीढ़ी को रोजगार देना। आज यहीं पर हमारे पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई है। आप सिर्फ पंचायत सचिव नहीं, बल्कि आप उस पंचायत का डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ की जिम्मेवारी के बराबर की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। इसलिए आप और हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि अगर हमारा गांव मजबूत होगा, गांव में आर्थिक गतिविधियों का संचालन तेजी से होगा,
तो हमारा राज्य निश्चित रूप से अपने पैर पर खड़ा होगा। बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए, राज्य को सशक्तिकरण करने के लिए ग्रामीण योजनाओं को फोकस करते हुए एक जिम्मेवार कर्मचारी, जिम्मेवार नागरिक बनकर आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। और निश्चित रूप से मैं आज इस मंच से ये घोषणा करना चाहूंगा, यहां पंचायत सचिव जो लोग चुने गए हैं, अभी अभी मैंने मेरे दिमाग में आया, आप अपने पंचायत पर संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। हर साल 5 पंचायतों का हम चयन करेंगे जो मॉडल पंचायत के रूप में चिन्हित होगा, वहां के पंचायत सचिव सपरिवार के साथ उनको विदेश का यात्रा 1 हफ्ते का हम कराएंगे। इस नियुक्ति को लेकर पूरा घर में एक उत्साह का माहौल है। मैं चाहूंगा कि आपका ये उत्साह सिर्फ आपके घर तक ना रहे, ये उत्साह पूरे राज्य में फैले। इसके लिए सब हम मिलकर के काम करें और इस राज्य को एक खुशहाल राज्य की श्रेणी पे लेके चले। सब लोग अपने नियुक्ति पत्र को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे किनारे की ओर, ताकि आपका चेहरा भी ना छिपे, आपका चेहरा भी आता रहे और आपकी एक जल्दी जल्दी आए। जो बिल्कुल पीछे से नियुक्ति पत्र लहरा रहे हैं, आगे आ जाइए आप भी। की कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ